अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, अगर नहीं चला तो मैं आप सबको बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मैन वर्सेस वाइल्ड में गए थे। तो इसी बात पे बजाओ ताली। तो मोदी जी से पहले भी शो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके, ओबामा भी जा चुके हैं। तो चलिए मोदी जी से जानते हैं कि उनका मैन वर्सेस वाइल्ड का सफर कैसा रहा। तो कंप्यूटर जी, मोदी जी को फोन लगाया जाए। हेलो, कौन? मोदी जी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जी प्रणाम। जय श्री राम। मोदी जी, आप मैन वर्सेस वाइल्ड में गए थे, आपको इस शो में जाने का आइडिया किसने दिया? राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को। अच्छा है, अच्छा है। हमको भी ओबामा से कभी मिला? बिल्कुल। अच्छा मोदी जी, ये जो बंदा है बियर गिल, उसको तो साला आदत है जंगल में मंगल करने की। उसको सांप बिच्छू बाघ शेर किसी से भी डर नहीं लगता, लेकिन ये सब प्राणी आपके सामने आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे मैं तो भूल ही गया मोदी जी, ये सब मिलके भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप तो दानी है, ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बहुत बड़े स्वामी है, शक्तिमान है, बुद्धिमान है। लेकिन मोदी जी, ये बियर गिल तो बहुत पैसे वाला है, ये तो साला हेलीकॉप्टर से छलांग मार कर जंगल में जाता है, आप कैसे जाओगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मोदी जी, जब आप पहली बार बियर गिल से मिले तो आपने उससे क्या बोला? आज का प्रातः काल का समय जो है 200 वर्ष में एक बार आती है। आपने उससे ये बोला और वो मान भी गया? बिल्कुल। कमाल है। लेकिन मोदी जी, ये बियर गिल तो जंगल में कीड़े मकोड़े कुछ भी खा लेता है। जब आप इस बंदे के साथ थे तब आपको खाने के मामले में कुछ परेशानी हुई? जो भोजन पटु लोग होते हैं, जो जीप के बड़े शौकीन होते हैं, उन लोगों में से मैं नहीं हूँ। जो मिल जाए उसी से अपना गुजारा करने की मेरी आदत है। अच्छा है, अच्छा है मोदी जी। लेकिन बियर गिल को तो साला हिंदी भी नहीं आती, क्या आपने उसको हिंदी सिखाई? बिल्कुल। अच्छा, तो क्या सिखाया आपने बियर गिल को हिंदी में? भारत माता की। बढ़िया है। लेकिन मोदी जी, आपके शो में जाने के बाद इस पर मीम्स भी काफी बनेंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं एंजॉय करता हूँ, मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूँ। तो मुझे उस क्रिएटिविटी के प्रति यानी मेरा घोर भी विरोध होगा। मुझे बड़ा मजा आता, क्या बड़े सटीक तरीके से कहा उसने। क्या बात है मोदी जी, एक आप ही हो जो मीम्स वाले की क्रिएटिविटी समझ पाते हो। और मैं दिल से कहता हूँ कि मैं ये मैन वर्सेस वाइल्ड विद पीएम मोदी जरूर देखूंगा। वैसे मोदी जी, टीवी पे कब टेलीकास्ट होगा? 8 तारीख रात 8 बजे। मोदी जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ प्लीज। बिल्कुल। मोदी जी, जब इस शो की शूटिंग पूरी हुई तो जाते जाते बियर गिल आपसे क्या कह रहे थे? वाह मोदी जी, वाह वाह। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी। जय जय श्री राम। तो भाई और बहनों, 12 अगस्त को मोदी जी कितने बजे? रात्रि को 12 बजे से ये शो टेलीकास्ट होने जा रहा है, तो आप सभी मिलके ये शो जरूर देखना। वेलकम टू इंडिया। मैं आपके लिए उसको मेरे पास रखूंगा। On an epic adventure of a lifetime. You are the most important man in India. My job is to keep you alive. हमारे चैनल पे उसका अकाल पड़ने के कारण मैंने एक नया चैनल EST Entertainment 2.0 शुरू किया है। तो प्लीज जाओ और उस चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज यार, 1 के सब्सक्राइब कर दो उस चैनल पे जल्दी। टेंशन मत लो, ये चैनल भी पहले की तरह ही चालू रहेगा। धन्यवाद।